आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर न्यूज और आपके साथ में प्रेस रिपोर्टर अरविंद कुमार। अभी हम उपस्थित हैं बिहार में, यहाँ गोड़ियाई नदी के पीछे हरकट्टा मोड़ के पास। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे इस श्रद्धालु बम से कि क्या क्या समस्या है रोड में और क्या क्या सुविधा है। तो आइए सीधे बात करते हैं वहाँ के श्रद्धालु भक्तजनों से। बोल बम, बोल बम। सबसे पहले आपका मोबाइल रिपोर्टर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। आपका परिचय, आप कहाँ से आए हैं मोदी? हम लोग बिहार से जम्मू जिला से आए हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है। आप कितना बजे जल उठाए हैं? सुबह 4 बजे सोमवार को सुबह 4 बजे जल उठाया हूँ। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। रास्ते में बोल बम बहुत अच्छा है, बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा सुविधा है सरकार ने किया है, बहुत अच्छा सुविधा है। बालू बहुत अच्छा बिछाते हैं, पतला बालू देती है, लेकिन जमा कर दिए पहले, नहीं तो पहले बहुत बड़ा बड़ा रोड़ा आ जाता था, बहुत दिक्कत करता, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। कोरोना महामारी में 2 साल सावन का मेला नहीं लगा, इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसलिए नहीं लगा, इस बार बहुत अच्छा मेला लग रहा है, बहुत अच्छा हम लोग करके कल 8:30 सुबह जल बुझे है और अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक चल के आया है, सुख सुविधा के साथ आए हैं। बहुत व्यवस्था बात सरकार ने कर रखा है और भवा के नगरी हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोग बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। बाबा नगरिया दूर है। कितना बजे चल उठा है? 5:30-12 बजे बाबा दरबार में आए हैं। कैसा लग रहा है? कैसा श्रद्धालु बाबा, ऐसे कुछ हम खास बातचीत जाने का प्रयास करेंगे। हुआ साबरी मेला को तो 2 साल से बंद रही, तो सारे कुमारिया अपन दिल में लालसा लगाए रहते हैं कि बाबा से दर्शन करें। साल भर हो गया, जैसे साल भर होता है हम लोग का उमंग जग जाता है शरीर में। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, काशी विश्वनाथ की जय, हर महादेव, बस की नाथ की जय।